मुझे आप बताइए कि आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। नहीं नहीं, अरेंज नहीं कहते, हेट मैरिज है। हेट मैरिज? एक लव मैरिज होती है, ये हेट मैरिज हुई है। सच्ची? कैसे? इसको मैं पसंद नहीं था, मुझे तो फिर भी ये पसंद थी। मैं जा कर रहा हूँ, अभी उल्टी बोलूंगा ना। अच्छा सुनो, असल में क्या है कि हमारी हेट मैरिज नहीं हुई, लेकिन अरेंज मैरिज हुई है। पर हेट इसलिए कि ये मेरे भाई की साली है एक्चुअली, रिश्तेदारी में। सगे भाई की? हाँ जी। तो मतलब मैं था 17 साल का, थी ये 15 साल की जब हमारी शादी हुई। और हेलो, ओशिवारा पुलिस स्टेशन। हाँ, वो दोनों आ गए हुए हैं जिन्होंने इतनी पुरानी फाइलें खत्म हो गई हैं। वो फाइलें खत्म हो गई, छोटे 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 15 साल और 17 साल। हाँ, मैं फोटो भी दूंगा आपको अपनी। ये देखिए मेरी फोटो। हाय, कैसी लगी? इतने यंग हो। तो हमारी शादी ऐसे हुई कि मैं गोल्ड का काम करता था, मतलब कि सीखा हुआ था अपने डैडी से। हाँ, थोड़ा थोड़ा काम करता, 100-200 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, काम करना, कमाई करना, 100-200 रोज का बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। ठीक है, और मैं नशा नहीं करता शुरू से, कोई आज तक भी नहीं है कोई भी, प्योर वेजिटेरियन, दारू सिगरेट कुछ था नहीं। उनको लड़का ऐसे है, कमाता है, तो इसकी शादी मतलब हो जाए। और मैं मानता नहीं था। करते करते वो कहते कि चलो शगुन लगा देते हैं, ठाका होता है ना वो लगा देते हैं, रोका कर देते हैं, शादी बाद में कर लेना जब मर्जी। मैं कहा ठीक है, करके खत्म करो, है ना। वो कर लिया। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा होता ना लोगों में, साल बाद ऑर्केस्ट्रा पे जाना, शादियों पे जाना, लड़कियों के साथ डांस करना, लड़कियों के साथ गाना गाना, और वो दिमाग में आने लगा कि ये कहाँ बेड़ा गर्क हो रहा है मेरा। ये तो मतलब होता ना कि अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, दोस्त मित्र, तो ऐसे होने लगा। तो मैं क्या, मैं नहीं करनी शादी, मैं नहीं करनी, मैं मुकर गया, मतलब करनी नहीं। तो वो होता ना पुरानी फिल्मों के साथ, इज्जत का सवाल है। मेरे घर वाले भी मतलब कि हम तो मतलब ऐसे थोड़ी है, मैं पहले किया क्यों, ये क्यों। तो ऐसे कर करके मैं बहुत दुखी हो गया। फिर एक दिन आया ऐसा कि वो कहते कि मतलब नहीं, मैंने कहा। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ, ऐसे हुआ सुनो ऐसे हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा कि शादी करनी है तो अभी करो, इसी वक्त, नहीं तो मैंने करनी नहीं। उस दिन संडे था। हाँ। तो ये अपनी सिस्टर की शादी पे गई हुई थी, इसकी कोई मामा जी की लड़की, जो भी चाचा जी की लड़की, जिसमें कौन थे, ताई जी की लड़की। हाँ, ये अपने ताया जी की बेटी की शादी पे गई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको फोन किया कि जल्दी आ, तेरी शादी है। उधर से मैंने सोचा कि ये थोड़ी अभी कर देंगे। तो उधर से हमको ले गए, मुझे भी मंदिर में और इसको भी मंदिर में। सुबह 10 बजे का टाइम था और ऐसे फेरे करवाए और जो भी करके, कोई घोड़े बाजा ये वो कुछ नहीं है। और 12 बजे तक घर पे, सुबह 10 बजे तक नहीं पता हमारी शादी है और 12 बजे तक शादी होगी बेटा घर का। हाँ जी। तो फिर हम घर पे आ गए। फिर पहले तो मैंने मतलब थोड़ा होता भी यानी कि बड़ा होता ना, ये क्या हो गया है मेरे साथ, समझ नहीं आई। फिर सपना ही हो, ऐसे ना ही हो, मतलब कि जब बीवी कुछ ऐसी शक्ल की मिल जाए तो दुख तो होता है, तुम्हें तो पता ही है, तुम समझ सकते हो। अरे दोबारा, अरे भाई लव मैरिज है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा मैं तो, तुम तो समझते हो ना हम दोनों को देख के भी हमारा क्या हाल हुआ होगा। यार तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे मैं ऐसी बदला लवांगे उड़ी, रुको। फिर अब मुझे इनका जानना है कि जब आपको ये पता चला कि दूल्हा जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कह रहा अभी की अभी करो, आप गए थे शादी? मैं तो खुद आप डर गई, हाय शादी किसके साथ हो रही है मेरी, मुझे पता ही नहीं, 15 साल की थी मैं। उन्होंने क्या नहीं, तो दियोर नाल हो रही है, पता था इतना नहीं ना वो। तो मतलब बातचीत हुई थी जब शादी हो रही थी ना आपके भाई की? कि कहा होगा बेटा आप दोनों वहां जाके बात करो। ना ना, वो रिवाज ही नहीं, होती बात तो फिर थोड़ी करते। अरे यार बात होती तो फिर थोड़ी करते। अरे बात भी तो वैसी होनी थी, और क्या करते हो आप? मैं भी वैसे था, मैं ना होते दुकान पे काम करता है, तू की कर दी है, मैं भी इतने रोटी रोटी बना लेनी आते, तुम चाय ढाडी बना दी रोटी मैं बनावा। नहीं नहीं, मैं कितना कमा लेंगे वो पैसा? मैं 100 रुपया। हाय 100 रुपया कमा लेंगे, तुम्हें 100 रुपया कमाना दे, ना ना करना। तो ऐसे होना था। अरे बाप रे बाप। लेकिन ये सच है कि मजाक अपनी जगह, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अगर ये नहीं होती मेरी वाइफ मेरे साथ तो फिर मैं शायद कुछ भी नहीं बन पाता। क्योंकि फिर अगर बीवी सुंदर हो तो बंदा उसको ही देखता रहता यार, सारा तो बंदा है यार। मेरा भी वही है यार, मैं यार हम सुंदर नहीं है। अरे जोक्स है, जोक्स। बॉयफ्रेंड बना के बता रहे, नजर का फर्क है, नजर का।
नजर चेक करानी पड़ेगी। अच्छा आपने जब इनको पहली बार देखा था आपको पसंद आ गए थे? और आपको जब बोला कि भाई एक दो घंटे में शादी है, आप खुद शादी में थी? शुभाले बुलाया शादी आपकी, मैं इतनी जल्दी, वैसे एक साल में मंगी रही थी, लेकिन ये है, ये सच्चाई है, मजाक में कितना भी करूं ये सच है इसमें, कि मतलब इसका साथ ऐसा रहा कि हम मतलब ऑर्केस्ट्रा में जाते थे शो करने, तो वहाँ पर 50 रुपये मेरी पेमेंट होती थी, तो मेरे को ये शौक था कि मैं ये गोल्ड का काम नहीं करना, दुकान वाला काम नहीं करना, मैंने कलाकार बनना है, तो वही करना है। उसमें 50 रुपये मिलते थे, 100 रुपये मिलता था, तो हम रेंट पे घर लिया छोटा सा, हमारे पास बर्तन भी नहीं थे, कुछ नहीं था जब हम अलग हुए घर से, मतलब अलग रहने लगे, तो एक वो घी का डिब्बा होता है ना, जो देसी घी का डिब्बा नहीं होता लोहे का, उसके अंदर छेद करके और सुनहरे वाला दिया होता है, दीवा जो जलाते हैं उसको रख के ऊपर चाय बना के पीना, वो बर्तन भी जिनके घर पे हम रहते थे किराए पे उनके थे, तो ऐसी गरीबी, ऐसा माहौल, फिर गरीबी में ही मनी पैदा हो गया, फिर गरीबी में ऐसी शक्लें आनी जो भी उस वक्त नहीं, उस वक्त का मूड नहीं होता ना, मूड में जैसे पैदा हो गए अपनी उस वक्त जैसे गरीबी में अपनी शक्ल होती है बड़ी खराब, तो बंदा शक्ल शीशे में देखता है ऐसे करके, तो वो जैसे बच्चे को आप लोग जैसे देखते थे, आप अच्छी फोटो लगाई तो अभी गोला पैदा हुआ है ना, हम तो शीशे देखते थे ना, तो यहाँ इसको देखना तो वो कैसे होगा, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है, ये सुंदर हुआ ना, नहीं नहीं आप बड़े पाजी, आप आपकी पूरी फैमिली बड़ी सुंदर है ऑब्वियसली, अब आप बोलते हो कॉमेडी में, तो मैं सच्ची कहूंगी कि बिग बॉस के बाद अगर कोई फैमिली है जो पूरी की पूरी फैमिली इंटरटेन करती है वो लहरी फैमिली है, क्योंकि इनके आप पॉडकास्ट नहीं, सोशल मीडिया में आप देख लो, चाहे मनी का हो, चाहे शिखा का, चाहे आजकल तो ये भी बड़ी एक्टिव है, भाई सारे साक्षी का बहुत चलते हैं, आपके पूरे है। मैं सबके लिंक्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गाइस प्लीज एक बार, एडिक्टिव फैमिली है, एक बार आप इनके व्लॉग देखो, पूरी फैमिली को फॉलो करिए, हम सबके लिंक्स नीचे देंगे पॉडकास्ट में, मैं सच्ची कह रही हूँ अलग अलग फ्लेवर है, साक्षी का और मनी का देखोगे तो थोड़ा फाइट वाला है, तू ऐसे करती है, शिखा बेचारी गाती रहती, नहाती नहीं, गाती रहती है, फिर जब दिन त्योहार आता है तो फिर उसको कहते नहा लो, बहुत अच्छा गाती है बिना कहीं से सीखे हुए, मैं सही कह रही हूँ, नहीं लगता भी है नहीं सीखी हुई आपके बहुत अच्छा गाती है, अभी भी उन्होंने पाजी, आपको गाने का, म्यूजिक का, या आपको शायद नहीं पता कि शिखा जो है बताती नहीं अपने बारे में, हम शो नहीं करते कि उसने क्या क्या किया हुआ है, आपने फिल्म देखी होगी अभी जो अपना गाना मेरे ढोलना, ये उसने सुना हुआ है तो आपने क्या गाया हुआ है? नहीं गाना भी आता उसको तो शिखा बहुत मुझे लगा कि नया वर्जन उसने गाया होगा। एक बात तो है, आपके बच्चों को ना बाहर कोई कुछ बोल देगा ना उनको बुरा नहीं लगेगा, कहते यार मेरे तो पापा इतना रोश करते हैं, घर से इतना छील देते हैं कि बाहर उन्हें कोई कहे कुत्ते। अरे वो हमें बहुत छीलते हैं, हमें मौका मिलता है, वो घर पे बहुत अपनी बेइज्जती करते हैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि कुछ भी मनी तो खास करके, और मतलब पंच मार देते हैं, मतलब बहू भी मारती पंच, शिखा भी, हमें कोई लिहाज नहीं करता, तो हमें कह रहा कर लो जब हम टीवी पे आएंगे तो फिर सारी दुनिया देखेगी, तो अभी मौका मिला है तो मैं करूंगा उनकी पूरी बेइज्जती, तेरी नहीं करूंगा आज तू भी। लेकिन ये बिल्लो जी ये बाहर तो इतनी मस्ती करते हैं, मैं सच में मैं काम कर रही हूँ इनके साथ, पता मस्ती करते हैं बहुत, घर में जब आ जाते शूट के बाद या फिर शूट पे होते तो घर में कैसे होते सुदेश जी? घर पे भी अच्छे रौनक लगी रहती है, लोग बनते रहते हैं इतनी अच्छी करते हैं पता बोलो फिर अभी भी इस टाइम बातें करेंगे ना दो मैं रो पड़ूंगी कहते मैं प्यार करता हूँ हाँ फिर रो पड़ी वाला क्लिप देखते हैं तो फिर आपको कैसे वैसे भी
मेरी बेइज्जती करके आपकी इज्जत होती है बनाओ। क्या बात है यार, क्या बात है यार। पाजी ये है कि एक जीवन में ना जब आपको ऐसा साथी मिल जाता है ना जो इतना भोला है, आपको आपके भोलेपन से हम 15-20 साल से जानते हैं, मतलब जब भी आप होता था जो ये भोली है किसी का बुरा नहीं चाहती और सबको मतलब जैसे आपको देखेगी ना अरे भारती दा लायो भारती दा। हाँ क्योंकि वो आपसे मतलब तुम छोटी सी थी वहां पे, तुम्हें पता है जब अमृतसर में। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।